मेरा तो फेवरेट सेक्टर है दीप, और मैंने आपको याद होगा लगातार कहा कि कॉफी, शुगर, चाय, ये सारे जो छोटे छोटे सेक्टर्स हमने पसंद किए, उसके बाद पेपर स्टॉक्स हैं, अब आखिरी जो सेक्टर हमने पसंद किया, अरे पूरा सेक्टर जबरदस्त कमाल करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। काफी कुछ आशीष ने कह दिया, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। प्रमोटर्स बेहद मजबूत है, इमामी ग्रुप है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। पूर्वी भारत में सबसे बड़ी कंपनी, और जो पेपर बनाने के लिए जो जरूरत होती है लंबर की और वो जो पल्प की, जाहिर सी बात है वो इनको बहुत नजदीक से मिलता है, तो वहां इनके लिए कॉस्ट सबसे कम है रॉ मटेरियल के लिए। आज से प्रमोटर्स मैक्सिमम 75% है वो उनकी होल्डिंग है, 7% इंस्टीट्यूशंस के पास है। लगातार कंपनी कर्जा कर रही है। इस कंपनी में एक ही समस्या थी और है थोड़ी अब भी, वो कर्ज की है, तो वो कर्ज लगातार कम हो रहा है। पिछले 2 सालों में 410 करोड़ कर्ज कम किया और आगे भी जबरदस्त कम होगा, क्योंकि फ्री कैश फ्लो बहुत जबरदस्त है। देखिए मुसीबत के समय में भी कंपनी फ्री कैश फ्लो बना रही, इस साल 236 करोड़ का बनाया, पिछले साल FY20 में 273 करोड़ का बनाया, यानी कि अच्छे कैश जनरेशन है, इससे डेट आपका कम हो जाएगा। क्वार्टरली रिजल्ट जैसा अभी आशीष ने बताया बहुत ही दमदार आए, 430 करोड़ का आय, 80 करोड़ का कामकाजी मुनाफा जबरदस्त है। ओपनिंग अप थीम का फायदा कंपनी को मिलेगा, अब धीरे धीरे सारे स्कूल्स खुल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर जो पूरे पेपर स्टॉक के लिए है, पूरे सेक्टर के लिए है, वो लंबर की प्राइसेस जो तेजी से घट रही है। मैं आपको बताऊं, मई में, अभी अभी मई में, मई जून जुलाई अभी खत्म हुआ है, अगस्त में 1660 1700 डॉलर जो भाव थे वो घटकर 500 डॉलर। अब आप सोचिए किसी कंपनी का रॉ मटेरियल 1600-1700 डॉलर से घटकर 500 डॉलर रह जाए तो इनके लिए कितनी बड़े फायदे की बात है, जबरदस्त बड़ा बेनिफिट है। वैल्यूएशंस बहुत आकर्षक है, मुझे लगता है इस साल 25 रुपए की ईपीएस कंपनी आराम से करेगी, कैश ईपीएस 33-34 रुपए करेगी, सिर्फ 7 के PE मल्टीपल पर, थ्रो अवे प्राइस पर है, एकदम सस्ता है। 240 छोटा टारगेट है, 275 मीडियम टारगेट है, और लंबे टारगेट हम और आगे रिवाइज करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है दीप, इमामी पेपर्स 240-275 के टारगेट के लिए। एक बार जल्दी से इसके चार्ट्स पर राय ली जाए, सुमित जी। अरे जी, इमामी पेपर के अंदर मेरे को लग रहा है पोजीशन होल्ड करके चलने का रहेगा। 200 रुपए का इसका साइकोलॉजिकल हर्डल है, जैसे ही 200 रुपए का लेवल क्रॉस होता है उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम और बिल्डअप होगा, और ऊपर में 210 रुपए से लेकर 215 रुपए के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। 215 का लेवल क्लोज करता है तो 240 से 250 के लेवल मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि जिस तरह से पेपर पूरे सेक्टर में तेजी देखने को मिल रहा है, स्टॉक को होल्ड करें, आने वाले कुछ हफ्तों में और कुछ महीनों में स्टॉक में एक अच्छा अपर का मूव देखने को मिल सकता है। नीचे में जो सपोर्ट है 175-180 के आसपास का है, तो वो सपोर्ट ध्यान में रख के पोजीशन होल्ड करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय। सिद्धार्थ सेदानी साहब भी कुछ पेपर स्टॉक्स पर ऐड करना चाहते हैं, गहरी पकड़ रखते हैं। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, पेपर स्टॉक पे तो आपने जो स्टॉक चुना है वो बेहतरीन है, पर मैं एक स्पेशल बिगुल के लिए एक कॉल देना चाहता था।